कौन उत्तर कर रहे हैं? वाइगोट्स्की। देखे तो दोबारा मैंने पूछा तो उत्तर बदला। कौन चार नंबर लगाया है? जब भी सहयोग की बात आएगी वाइगोट्स्की के अलावा कोई उत्तर नहीं करेंगे। अगर मैं दोबारा पूछूं तब भी कहे यस सर, यही होगा। पहले का ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दो में अगर नियमों से विचलन हुआ तो सख्त दंड होगा, यह प्रायत नैतिकता की अवस्था है। चूंकि सोसाइटी नियम बनाती है, आप नहीं मानिएगा तो दंड होगा। प्रायत सोसाइटी से है, सोसाइटी के नियम को नहीं मानिएगा दंडित होइएगा। तो दंड का डर प्रायत में दिखाते हैं, स्वायत्त में तो मम्मी पापा का डर होता है और किसी का नहीं। तो दो का एक नंबर सही है। तीन में तीसरा बिल्कुल सही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। चार में कौन सा सही है? दूसरा, हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है, दूसरा सही उत्तर है। पांच में पारिस्थितिकी का सिद्धांत हम बताए भी थे, ब्रोनफेन ब्रेनर। इकोलॉजी मैंने कहा था ये सिर्फ नाम आता है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आता। इकोलॉजी सिस्टम यानी कि लर्निंग में इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ब्रोनफेन ब्रेनर दूसरा ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, पारिस्थितिकी का सिद्धांत कहलाता है ये, याद रखिएगा। ब्रोनफेन ब्रेनर क्या दिया था? पारिस्थितिकी का सिद्धांत, इकोलॉजी सिस्टम। छह नंबर में कलम चुरा लेता है और कुछ देर बाद गिरकर घायल हो जाता है, तो वह सोचता है कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। ऐसा बालक किस अवस्था में सोचता है? स्वायत्त में तो कह रहे हैं कि सिर्फ मां बाप का डर होता है और किसी का नहीं होता। सोसाइटी, सही गलत, नियम कानून, इसका डर हमेशा प्रायत में होता है। दूसरा, यह प्रायत नैतिकता की अवस्था है। स्वायत्त में मम्मी पापा की डांट और डर, बस यही आता है, घर की बातें होती है। तो छह का दूसरा उत्तर सही है। सात में कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा, नहीं सुधार पाता है तो शिक्षा व्यवस्था पूरा खत्म हो जाएगा, तीसरा सही है। आठ में सब सही है, आठ में, आठ का चौथा सही उत्तर है। नौ में सही बात है, अधिगम न सिर्फ शिक्षा के लिए बल्कि छात्र के लिए भी देखना जरूरी है। क्वेश्चन आ चुका था पहले भी, ये नौ का एक, उस दिन भी बताए थे कि छात्र ही हमारा केंद्र होता है, तो शिक्षक की तो होती है, इसके अलावा सबसे जरूरी कौन है? छात्र है। दस में समस्या की खोज करने में निरीक्षण भी करते हैं, तुलना भी, प्रदर्शन भी, सब करते हैं, सब करेंगे। ग्यारह में व्यवहारों का अत्यधिक प्रोत्साहन करे और डर से न करे, इसका मतलब है कि वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तीसरा सही उत्तर है। 11 का तीन, हाँ। 12 में संज्ञान प्रभावित नहीं होता, किससे? स्मृति से होता है, चिंतन से, आयु से नहीं होता, तीसरा गलत है। 13 में पड़ोस में रहने वाला करीम जब भी कोई काम करता है तो कार्य करने में अपने माता पिता और दोस्तों की सलाह लेता है, ये अनुमोदन कहलाता है। जब किसी से हम सलाह मशवरा करके काम करेंगे अनुमोदन कहलाता है। ऑप्शन दो, किसी से भी सलाह ले सकता है, टीचर से सलाह ले सकता है। तो जहां सलाह या मशवरा से काम हो तो हम उसे अनुमोदित करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ये काम करें, ठीक है, वही अनुमोदन कहलाता है, रिकमेंडेशन, रिकमेंड करना, सलाह देना उसको, यही अनुमोदन कहलाता है शुद्ध हिंदी में। संबंध तो रिलेशन को कहते हैं, तो मां बाप से पहले से है, पूछ लेने से रिलेशन थोड़ी डेवलप होगा। 13 का दूसरा उत्तर सही है इसमें। 14 में पहला कौन लगाया है? तीसरा सही है, रितेश सीखी गई चीज का सही निष्पादन नहीं कर पा रहा है, तीसरा सही है। 15 में भी तीसरा सही है, दूरदर्शन के प्रभाव पर, क्योंकि बच्चों का एटीट्यूड टीवी देख देख के चेंज होता है, और ये बिस्किट खाना है, समझ रहे हैं ना? नाम कहां सुना? मार्केट में तो नहीं सुना होगा ना, टीवी पर बैठ के देखते हैं, तो ऑडियो का प्रचार आता है, तो अगले दिन दे दीजिएगा उसको 50-50 खाने को, तो कहता है ये नहीं खाएंगे,
ओरियो बिस्किट खाएंगे। कहां से? टीवी से। एटीट्यूड वहां से लर्न करता है। 15 का तीसरा, अभिवृत्ति है ना, अभिवृत्ति एटीट्यूड को बोलते हैं, रवैया। बच्चे का रवैया टीवी देख के नहीं बदलता है। तो 15 का तीसरा, 16 में उसे अमुक कार्य में सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो बंडूरा के अनुसार वो क्षमता प्रत्याशा उच्च है, वो सोच लिया है कि होगा ही होगा। तो बंडूरा के हिसाब से वो उसकी क्षमता प्रत्याशा काफी उच्च है। पहला सही है। 17 में रश्मि और मोहित अपने माता पिता के जुड़वा संतान है, तो दो हो गए ना, एक लड़का एक लड़की है, तो फिर एकांकी जुड़वा कहां हुए? ये भातृय जुड़वा हुए, भाई और बहन, भाई और बहन हुए तो भातृय जुड़वा कहते हैं। और दोनों लड़का हुई या दोनों लड़की तब एकांकी जुड़वा होता है, ट्विंस। एकांकी मतलब एक ही शक्ल एक ही जेंडर होगा, एक साथ पैदा हो, एक लड़का एक लड़की हो तो भातृय जुड़वा बच्चे कहलाएंगे। 17 का दो, पहला एकांकी में सेम जेंडर होते हैं और सेम शक्ल वगैरह। अरे टीवी वगैरह पे आते नहीं है, एक ही हीरो के डबल रोल वैसे ही होते हैं। 17 का एक दो नंबर कर लीजिए, भातृय जुड़वा। 18 में यह उपलब्धि है उसकी, बिल्कुल सही है, जितना मेहनत करेगा उतनी उपलब्धि आएगी। 18 में, अच्छा 18 हो गया ना, 19 आपने अनिश्चित लगा दिया है। अंकित की एक बुरी आदत है कि कुछ विशेष औषधि खाकर व्यवहार में इतना अधिक सार्थक परिवर्तन लाता है। गलत नहीं, परिवर्तन सार्थक है, अच्छा है। तो अगर परिवर्तन ला देता है तो देखने वाले लोग भौचक्के रह जाते हैं। अंकित के व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? इसे आप थोड़ा सा सहमत होंगे चूंकि सही चीज के लिए कर रहा है। 19 का दूसरा, 20 में मैसलो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, नाम याद रखना है। 21 में कौन सा मूल्यांकन नहीं होगा? तो सृजनात्मक नाम का कोई मूल्यांकन नहीं होता है, तीसरा नहीं होता है, बाकी सब होगा। ऐसे क्वेश्चन में कैसे गलती हो सकती है? 22 नंबर में 21 का तीसरा गलत है, प्रयोग नहीं करेंगे। 22 में चौथा चुन लिए हैं, बिल्कुल सही चुने हैं। गलत लिखावट, स्पेलिंग नहीं ना कह रहा है। हाँ तो योग्यता में कमी कौन सा दिख रहा है? लिखावट में गड़बड़ी होगा तो डिस्ग्राफिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी, योग्यता में गड़बड़ी। तो डिसेबिलिटी को ही ना योग्यता कहेंगे, अयोग्यता। 22 का चौथा सही है। 23 में एक अधिगम निर्योग्यता वाले बालक आपके लिए केस स्टडी का काम करेगा ना। जिस बच्चे में जो प्रॉब्लम है उसका स्टडी कर रहे हैं तो केस स्टडी है वो, तीसरा उत्तर है। 24 में निगमन में कौन सा सही नहीं है? तो चौथा सही नहीं है, क्योंकि उदाहरण पहले आगमन में देते हैं, निगमन में नहीं, तो चौथा गलत है जो पूछा जा रहा है। सामान्य से विशिष्ट, विशेष से सामान्य, ये तो निगमन के लिए सही है। निगमन के लिए गलत कौन है, यानी कौन आगमन है वो चूज करना है, तो चौथा आगमन है, निगमन का उल्टा। 25 में सब सही है, चौथा ऑप्शन चूज कर लेंगे। 26 में कोहलर का सिद्धांत पहले के लिए ज्यादा बेहतर है, चूंकि लॉजिक और सूझ गणित और विज्ञान में ज्यादा जरूरी होती है, पहला सही है। 27 में अगर कोई बालक आम के फल को देखता है, देख रहा है मतलब डायरेक्टली, और वह उसके रंग आकार सब में देख, यह प्रत्यक्षनात्मक है, प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, दूसरा सही है। 28 में दूसरा, सबके सही है। एक स्मृति प्रक्रिया है, यह गलती से चुंकिंग हो गए, चंकिंग होता है,
चंकिंग का मतलब होता है पूरे पैराग्राफ का सबसे बेस्ट वर्ड निकाल के बात को समझ पाना, तो चंकिंग कहते हैं। हाँ चंकिंग होता है, लेकिन इंग्लिश में लिख के दिया गया तो टाइपिंग में क्या हो जाता है, वो चंकिंग बना दिया हो जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ जैसे निमोनिक्स बनाते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल लिए, निमोनिक सेट कर लिए, पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, वही है चंकिंग करना। 29 में चौथा, अभिप्रेरणा किस प्रकार मदद करेगा, अभिप्रेरणा एक दिशा में कार्य करने के लिए बल देता है, स्मृति को ताजा कर देता है, ऐसा ऐसा अभिप्रेरणा मुझे रोज चाहिए होता है। से पहला सही है, सीखने की रुचि को उत्पन्न करना, बल प्रदान करना काम नहीं है। 30 में मोटिवेट करेंगे तो बल दे देंगे, बल का मतलब है लत्तम जुत्तम करके भगाना, और जाओ पढ़ के आओ, बिना पढ़े आए तो फिर मार के भगाएंगे। मोटिवेशन क्यों, नीड से शुरू होती है, नीड क्यों, क्योंकि आप उससे इंटरेस्टेड हैं, इसलिए बिना रुचि के कैसे किसी को मोटिवेट कर लेंगे। हम आपको आज ही कह चलिए नाली सफाई के काम हम लोगों को मिलजुल के करना है, आप कीजिएगा, नॉट इंटरेस्टेड। जिस काम में इंटरेस्ट हो वही करने में मजा आता है, नहीं तो मोटिवेट करने का भी कोई फायदा नहीं है। 30 में क्या लगा रहे हैं, कौन सा पूर्णतः सही है, तो इसमें से कोई सही नहीं है, चौथा उत्तर लगाइए। पूरी तरह से कोई सही नहीं है, इसलिए उत्तर चौथा। चलिए हिंदी कर लेते हैं फटाफट। आज ऑड नंबर है ना, पहले सोशल हो जाएगा, पहले हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में क्या उत्तर कर रहे हैं, 121 में ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। 22 में बर्बरता और अनैतिक का आशय है अकुशल और असंगति, पहला। 23 उसका आशय पूछ रहा है, विपरीत अर्थ नहीं पूछ रहा है, तो विपरीत अर्थ में क्यों चुन रहे हैं, आशय का मतलब उसका अर्थ क्या होता है, तो पहला है। बहुत पहले सुना था, ढेर जोगी मठ का उजार, बात समझ गए। 22 का पहला सही है। 23 में स्वतंत्र भी रह सकता है, अभिव्यक्ति भी करेगा, सब करेगा इसमें। 23 का चौथा। 24 में बिल्कुल सही लगाए हैं सब लोग, 124 का पहला सही है। 25 में सभ्य और असभ्य परिस्थिति का भाव, एक दूसरा सहयोगी पक्ष होना, सुख और दुख सब होगा, सब में सब की बातें आ रही है। 25 का चौथा। 26 में विषम का सम होगा, दूसरा विषम को सम, सम माने बराबर, 26 का दूसरा। 27 में पहला बिल्कुल सही है, हाँ दीर्घिकार ई तो बड़ी ई और यह होगा, पहला सही है। 28 में पहुंच शब्द किससे संबंधित है, यह तद्भव से, पहला तद्भव है, तत्सम तो संस्कृत शब्द को कहते हैं, तो ये पहुंच जो शब्द है ये तद्भव है, हिंदी भाषा से संबंधित है। 29 में दृष्टिकोण, सभी का उद्गम धर्म से हुआ था, धर्म से, चौथा, सब चीज धर्म से निकला था उस समय। 130 में दूसरा नहीं है, प्रत्येक राष्ट्र से आए लोग खास जबान बना लेते हैं, अलग अलग जगह से आए लोग, यानी कि पहला उत्तर। 30 का एक नंबर। 31 में पहला ही सही है, साहित्य का विकास और रचना। 32 में चौथा, सब लोग के सही है, सही है, 32 का चौथा। 33 में मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है, मुख्य का गौण होगा, सेकेंडरी। 33 का पहला सही है।
प्राइमरी को मुख्य कहते हैं, सेकेंडरी को गौण कहते हैं, पता ही है। 34 में साथ का तत्सम सार्थ होता है, पहला सही है, सार्थ होता है, तत्सम यानी संस्कृत शब्द। 135 में प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के समक्ष, पहला सही है। 36 में शिक्षिका के रूप में उसी का चयन करेंगे जिसका शिक्षण के प्रति रुचि हो, टीचिंग का एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ना हो तो टीचर बना के क्या फायदा, पहला सही है। सामर्थ्य तो उसकी ताकत और योग्यता है, लेकिन वो कब करेगी, जब उस काम में रुचि हो तब आप रखिएगा ना। स्कूल में जॉब लेने जाते हैं टीचिंग का, तो वो आपके रुचि का ही तो टेस्ट करता है कि आप पढ़ाने में रुचि लेते हैं कि नहीं। हाँ, 36 का पहला। 37 में गृह कार्य देंगे विद्यार्थियों के योग्यता के अनुसार, दूसरा सही है, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम या अपाहिज होगा या कुछ और होगा तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटी देंगे। अब कहेंगे सबको एक समान गृह कार्य करना है और बेचारे का दोनों में से कोई हाथ नहीं है, कहां से करेगा, तो इसलिए बच्चों के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। 37 का दूसरा हो गया। 38 में पहला बिल्कुल सही है, अध्यापन कराने की अच्छी विधि होना चाहिए। 39 में दूसरा बिल्कुल सही है, नियमित बनाए उसे। 40 में तीसरा है, अनुभव से जोड़ के पढ़ाना, अनुभव से, तीसरा सही है। 41 में, 41 का दूसरा बिल्कुल सही है, हाँ दूसरा सही है। 42 में एक नंबर सही है, अनुभव को लिखने को कहेंगे, बिल्कुल सही है। 42 का, अरे नियमित करेंगे, नाम काट के कौन भगाता है, एक तो बच्चे स्कूल नहीं आते पास नाम काट के भगा देंगे। 41 किताब शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखने को कॉपी वापस कर देंगे, ये कोई तरीका है, बच्चे को कॉपी देकर वापस कर दिया घेरा लगा के, उससे क्या सीख जाएगा, जब तक सही लिख के नहीं दिखाएगा कैसे पता कि इसको सही कैसे लिखते हैं। फिताब, किताब को फिताब लिख दिया तो घेरा लगा के दे देने से सीख जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। 43 में हम लोग कर रहे हैं, एक साथ मिलकर भोजन करने की व्यवस्था करने के लिए यह काम किया गया। 43 में तीसरा, ताकि सहयोगात्मक अधिगम का विकास हो। 44 में सब सही होना चाहिए, 44 का चौथा। 45 में अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रशंसा कीजिए, पहला सही है। 46 में अध्यापन अपने विद्यार्थी द्वारा भी कर सकते हैं, तो आ जाइए यहां, मुझे क्यों बुलवाए हैं सब लोग। 46 टीचिंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, पहला सही है। टीचिंग एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये जीवन भर चलते रहता है, इसका कोई उत्पाद नहीं बनता, पहला सही है। सिर्फ अध्यापन एक प्रक्रिया है, वो कभी समाप्त नहीं होता, जीवन भर चलते रहता है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि बन गया और हो गया, उसमें रोज बदलाव होता है, यानी उसकी प्रोडक्ट को तय नहीं कर सकते, प्रोडक्ट मतलब नतीजा तय नहीं है। चौथा क्या करे, सुनिए, इससे अध्यापकों में गहरी समझ विकसित होती है, अध्यापन से कि पढ़ने से, अध्यापन करके कौन गहरी समझ विकसित करने आता है, डिटेल्ड स्टडी से गहरी समझ आती है, अध्यापन करने से समझ नहीं आ जाती है। मतलब कोई सामान बन के प्रिपेयर ही नहीं होता है, तो जीवन भर प्रोसेस ही बना रहता है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, रोज उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे वो। तो वो भी प्रोडक्ट नहीं है, वो भी प्रोसेस है। गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक लर्निंग की प्रक्रिया जारी रहती है, मृत्यु तक, तो कैसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हो गया। लर्निंग का और टीचिंग का कभी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, पता है, ताउम्र उसे सीखते रहते हैं, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, इसलिए कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता। ताउम्र का मतलब ही होता है उम्र भर। 47 बताइए, दूसरा कौन लगाया है, अधिगम का प्रेरक अंग का नाम ही प्रेरक अधिगम है, चौथा, हाँ
इसमें संवेगी प्रेरक कब से बताने लगे? अधिगम का प्रेरक अंग प्रेरक अधिगम कहलाता है। 48 में 48 का पहला सही है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दीजिए, एक नंबर। मारे हैं क्वेश्चन को। कुछ दिन बाद कहेंगे क्वेश्चन नंबर एक को सी से काट दिए। कलम लेके आए हैं, गरासी लेके थोड़ी आए हैं। 48 का एक, 49 में समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं छोटी सोच, सी नंबर, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचने का काम है। हाँ, छोटे सोच कहीं के अपने जिले और अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, बाकी कौन सोचेगा, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। उनचास का पहला लगाइए, 50 में 50 का चौथा बिल्कुल सही है, आंतरिक और बाहरी दोनों होनी चाहिए। 31 बाकी लोग थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे से बातचीत स्लो मोशन में धीरे धीरे कर लेंगे। और क्वेश्चन मत पूछिएगा एक दूसरे से, दो दिन से देख रहे हैं आप अपना स्कोर कम या डाउन, क्वेश्चन पूछ पूछ के कर ले रहे हैं, फॉर्मूला पूछ के कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जितनी क्षमता है वो दिखाइए, पूछ के नहीं, क्योंकि 7-8 टेस्ट और रह गए हैं और इसमें आप दूसरों से पूछ के एक दूसरे से डिस्कस करके उत्तर कीजिएगा और कहिएगा मेरे 140 नंबर आ जा रहा है, तो नहीं आएगा वहां पे फाइनल एग्जामिनेशन में। यहां अगर 120 आ रहा है तो एग्जैक्टली कहिए कि मेरा 120 ही हो रहा है। चार क्वेश्चन पूछ के किसी से बनाए हैं तो ऐड मत कीजिए अपने, इसमें जितना आ रहा है उतना ही मान के चले, चूंकि ऑप्शन जो दिख रहा है और प्रश्न जो आप बना रहे हैं यही उत्तर वहां भी करेंगे और नंबर भी इतना ही रहेगा जितना देख पा रहे हैं। पैटर्न बहुत अलग नहीं है कि यहां कुछ और वहां कुछ और होंगे। ज्योग्राफी का पुराना, हाँ अच्छा, इसमें जो दिया गया है आ जाएगा फिर नया, क्यों परेशान है? एक तो वैसे ही रोज नया आने की वजह से लोग सुसाइड के बारे में सोचने लगे हैं। घबराना नहीं है, कुछ कुछ चीजें परिवर्तित की जाएगी, कुछ हो सकता है जो अच्छा लगे वो फिर डाला जाता है कि ये सब याद करा देना है। 31 में देखते हैं और शांति बनाए रखे बाकी लोग। 31 में घास स्थल का शाब्दिक अर्थ साधुअल प्रेयरी से संबंधित है, यहां चौथा प्रेयरी सही है। 32 में घास का सागर प्रेयरी को ही कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, 33 में चिनुक के बारे में कौन सा गलत कथन है, तो पहला गलत है बाकी सब सही है, यह व्यापारिक पवन नहीं है, 33 का पहला। 34 में कौन सा सही नहीं है विल्लो के लिए, तो प्रेयरी प्रदेश के पेड़ों की प्रजाति में नहीं आता, दूसरा गलत है। 34 का 2 गलत है, यह गड़बड़ कितने लोग किए हैं नहीं देखने के चक्कर में। क्वेश्चन में जहां सत्य नहीं है चुनना था तो दूसरा चुनिए, 34 में। 35, रैंच कहा जाता है मवेशी के फार्म को, तीसरा सही है। 36 में प्रेरी प्रदेश कहां नहीं आता, तो शिकागो, विथिपेंग, इन तीनों जगह, न्यूयॉर्क में नहीं आता, न्यूयॉर्क तो पूरी की तरह सिटी है वो। 36 का चौथा। 37, वेल्ड नामक घास स्थल अपवाहित नदियां कौन कौन से, ऑरेंज और लिम्पोगो दोनों बहती है, पहला ऑरेंज नदी अमेरिका की नदी है, लिम्पोडो वही अमेरिका की ही है, मवेशी फार्म है, तीसरा। 37 में हो गया पहला। 38, वेल्ड से घिरे प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कांगो नहीं आता उसमें, बाकी सब आएगा। कांगो कहां पड़ता है, अफ्रीका का पार्ट है कांगो, तो वो इसमें नहीं आएगा। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका अलग अलग चीज है, एक जैसा मत समझिएगा,
39 में पशुपालन और खनन के लिए वेल्ड प्रदेश प्रसिद्ध है। दूसरा 40 में मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। तीसरा हाँ 41 में किम्बरले विश्व में हीरा के लिए निकाला जाता है, ठीक है। 42 में सब हिलसा और कतला मछली है, ठीक है पहला। 43 में सड़क का भूमिगत निर्माण सबवे कहलाता है, चौथा उत्तर सही है। सबवे यानी नीचे से जाने का रास्ता सड़क के नीचे से। 44 कौन सा स्थल नहीं है, तो पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर, अंतराजी खेरा, सब है, कोई नहीं उत्तर होगा चौथा, क्योंकि इनमें सब सही है। 45 में चित्रित धूसरपाद के अवशेष महाजनपद काल के है, दूसरा सही है। 16 महाजनपद की जब चर्चा मिलती है उस समय के काल के हैं, और 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस निकाय से प्राप्त होती है, बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से, यह भी याद रखिएगा। 46 में सबसे दक्षिण का महाजनपद अस्मक था, अस्मक सबसे दक्षिण भाग अस्मक था वो। 47 में तीसरा बिल्कुल सही है, सुरक्षा के साथ समृद्धि भी देखी जाती थी। 48 में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला गलत है, सभी राजा सेना रखते थे, ये कह रहे नहीं रखते थे, गलत है ये। 48 का एक। 49 में पहला सही है, सुनियोजित है क्योंकि संसाधन थे उस वक्त। 50 में महाजनपद काल में भाग कर लगाया जाता था फसल पे, फसल भाग नामक टैक्स फसल पे लगाए जाते थे। 51 में ऋग्वेद में सूक्त का मतलब जिसे स्पष्ट उच्चारण के साथ बोला जाए यानी अच्छी तरह से, तीसरा सही है। 52 में चौथा सोम, ये सब है, मुख्य देवता भी थे, पौधा भी, पेय पदार्थ भी, सब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चीजों से कनेक्टेड है, एक भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है। 53 भारतीय परिवार की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, तो संस्कृत है, फारसी है, यूरोप की भाषा भी है, कोई नहीं उत्तर होगा, भारतीय में सब शामिल है, फारसी भी है, भारतीय में फारसी भी आती है, क्योंकि फारसी का काफी दिन तक इंडिया में प्रयोग हुआ, 200 सालों तक, पता है, तो भारतीय परिवार का हिस्सा बन गया वो। 54 में द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, कोंकणी नहीं है, बाकी सब है। 55 वेदों में उल्लेखित दस्यु का मतलब चौथा, जिनको न यज्ञ करने की अनुमति थी न दूसरी भाषा बोलते थे, दस्यु दास चौथा। 10 एक पूरी संप्रदाय थी, दास तो थे ही उसमें, लेकिन वे लोग भी जो यज्ञ करने के काबिल नहीं थे उनको भी 10 में ही रखा जाता था, तो यज्ञ करने की इजाजत उनको नहीं था। 55 जो यज्ञ नहीं करते थे, जो दूसरी भाषा बोलते थे, और चौथे में दोनों बातें हैं, जो यज्ञ नहीं करते थे इसका मतलब वो दास थे, एक लाइन में, तो लाइन के अंदर अर्थ दास छुपा हुआ है, तो दास अलग से चुनने क्यों जाएंगे, ये भी तो सवाल आता है कि जब एक लाइन में ऊपर के दोनों ऑप्शन उसमें समाहित है तो चौथा चुनना ज्यादा बेहतर होगा, भाषा भी नहीं मैच करती थी और यज्ञ भी नहीं करने देते थे, ये कारण है। 56 में महापाषाण काल में सौधान के साथ दफनाया नहीं जाता था, घोड़ों के कंकाल नहीं दफनाते थे, घोड़ा दफन करते थे, कंकाल नहीं, यही गड़बड़ है। अरे कंकाल बाद में बनता था दफनाने के बाद, कि कंकाल ला के दफनाते थे, घोड़ा दफनाते थे, लेकिन घोड़े का कंकाल लिखना गलत है, समझ गए। 57 में प्रागैतिहासिक युग, इसका मतलब है जब लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे, तीसरा प्रागैतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। 58 में 1857 का विद्रोह, दूसरा कौन लगाया, 10 मई 1857 दिन था संडे,
संडे के दिन, पहला ऑप्शन है और दिन था संडे। 59 में दूसरा सही है, व्यक्तियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का प्रयोजन किया गया था वित्तीय सहायता के लिए। 59 का दो। 60 में दूसरा सही है, राष्ट्रपति के पास ये क्षमता है। 61 चौथा सही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी लिख लीजिएगा, मत से तथा अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि याद रहे पूरी बात। 62 में 62 का पहला सही है, 30 वर्ष के। 63 में दूसरा, मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। 64 मंत्री का कार्य क्या है, संसद में विधेयक को प्रस्तुत करना, कोई भी मंत्री उससे संबंधित कर सकता है, पहला सही है। 65 कितने गांव, एक से अधिक गांव आ सकते हैं, दूसरा सही है। 66 अधिकतर लोगों का मुख्य कार्य खेती और मजदूरी है, खेती और मजदूरी। 67 साक्षरता कम होने का मतलब कि लोगों को जानकारी भी कम होगा, साक्षर कम तो जानकारी कम, तीसरा ऑप्शन। 68 राज्यपाल का कार्यकाल या तो 5 वर्ष होता है या जब तक राष्ट्रपति चाहे, तीसरा 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उसे रख सकता है, हाँ, या फिर 5 साल, ये मान के चला जाता है। 69 पहला बिल्कुल सही है। 70 में शिक्षक का सबसे अधिक आवश्यक गुण बजट है, बालकों की समझ होनी चाहिए शिक्षक को, चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज, ऑप्शन 2 सही है। 71 हमारे अतीत पढ़ने का मतलब ही है कि हमारे आज की दुनिया कैसे विकसित हुई इसके बारे में पुराना जानकारी प्राप्त करें, एक नंबर सही है। 72 ये क्वेश्चन आ चुका है, एमपी मुफात का है, तीसरा ऑप्शन सही है, एक दिन और आया था। 73 राष्ट्रीय पुस्तक बनाने के लिए समावेश किया जाए, बिल्कुल सही है, पहला। 73 का एक नंबर सही है। दूसरा देखिए, अवगत कराने से आज तक किसी को फायदा हुआ है, परिचित करा देना सिर्फ, कि जानकारी देने से फायदा होता है, तो परिचय से कोई खास फायदा तो नहीं होगा, इसलिए दूसरा मत चुनिए, समावेश करके उसे जानकारी देंगे तो फायदा होगा। 74 समाज मिति तकनीक में सामाजिक मूल्यांकन करते हैं, दूसरा लोगों के प्रति लगाव का मूल्यांकन, यानी सामाजिक मूल्यांकन करना, समाज मिति, इसको अंग्रेजी में सोशियोमेट्री कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक ढंग से दूसरे, तो इसमें मनोवैज्ञानिक की जरूरत क्या है जब सोशियोमेट्री नाम है, साइकोलॉजी मेट्री होता तो सोचते हैं, तो चौथा मत सोचिए, दूसरा सोचिए। 75 में, और दूसरे को याद रखिएगा कि 74 जो प्रश्न है ऐसी प्रश्न आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि सोशियोमेट्री तकनीक इवेल्युएशन में सोशल साइंस के लिए प्रयोग करते हैं। 75 सब सही है इसमें। 76 ये सब याद रखने के लिए दिया गया है, सब है, इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ के छोड़ दीजिए, क्या क्या है वो याद रखिएगा आगे काम करने के लिए। हाँ, 76 में चौथा। 77 दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद भी रखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा एनसीएफ का भाग है। 78 और पहला बिल्कुल सही है, चित्रों की सहायता से स्थिति को समझाएं। 79 सब सही है इसमें भी, स्रोत विधि सबसे आते हैं। 80 में तीसरा, सबसे पहले आंकड़ों का संगठन कर देंगे, चौथा आंकड़ों का एकत्रीकरण, बिल्कुल नहीं,
सबसे पहले कोई चीज प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद परिकल्पना बनाएंगे, तब आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, तब संगठन। दो, एक, तीन, चार, पहला ऑप्शन। और इसका इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सीक्वेंस आते हैं। 81 में चार्ट का एक सेक्शन था, एक सामग्री है, बताया कौन से चार्ट का प्रकार है, तो फ्लैप चार्ट होता है। फ्लैप चार्ट, चार्ट का एक प्रकार है फ्लैप चार्ट। दूसरा प्रकार समोसा वाला, तीसरा टिक्की वाला, चौथा पापड़ी चार्ट। चार्ट के अनेक प्रकार, सलाद चार्ट, फ्लैप चार्ट उत्तर कीजिए, सही है। अरे वृत्त चार्ट होता है, फ्लैप चार्ट होता है, ट्री चार्ट होता है, फ्लो चार्ट होता है, ये सब नाम सुना होगा ना, कि सुन के सब भूल गए हैं, वही समोसा टिक्की पापड़ी याद दिला रहे थे, यही कहने का अर्थ है। 82 में दूसरा सही होगा, तीसरा नहीं, 82 का दूसरा। समझाने के ज्यादातर उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 83 में इसमें सभी कथन सही है, जितने भी कथन है सब सही है, लास्ट में है ना, सभी कथन सही है, चौथा, मतलब ध्यान नहीं दिए हैं कि कथन में क्या क्या है। 84 का चौथा सही है, उपरोक्त सभी। 85 में ना, विद्यार्थियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान लाल किला दिखाने ले जाती है, किस लिए? उसे देखने के दौरान विद्यार्थी में अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने की क्षमता का विकास हो, कि इसमें क्या भिन्नता है, उसमें क्या भिन्नता थी, इसमें किस तरह के पत्थर, उसमें किस तरह के पत्थर, पहला। और तीसरा है लाल किले के निर्माण संबंधी जानकारी और इतिहास बोध विद्यार्थी को कराना। तो सीमित हो गया ना वहीं तक, वो तो कराने गए ही हैं, बच्चे क्या करेंगे वो समझने के बाद, ये पूछा जा रहा है। एक गाइड के नाते आप तो सब जानकारी देंगे, लेकिन बच्चे उसको पढ़ने देखने के बाद क्या करेंगे, तो जो और देखे होंगे, हाँ क्लोज, ऐसे क्लोज ऑप्शन हो सकते हैं कभी कभी, हाँ 150 में एक होता है, ऐसा थोड़ी। तो हमारा टेस्ट थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए ना। बाद में कुछ याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि कुछ दे के आए थे वहां से, याद है। 85 का पहला, 86 चौथा, ग्लोब का प्रयोग करके स्पष्ट करेंगे अक्षांश देशांतर, बिल्कुल सही जवाब। 86 का चौथा। 87 में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करेंगे, चौथा। 88 में पाठ योजना का अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है, हाँ सबसे अंत में बच्चों का मूल्यांकन ही करते हैं। 89 में क्या कहते हैं, होमवर्क देते हैं लास्ट में, क्वेश्चन फिर से नहीं करते, एक बार इवेल्युएशन कर लिए उसके बाद होमवर्क दे देते हैं बच्चों को। प्रस्तुत शुरू में ही करते हैं, इंट्रोडक्शन, टॉपिक अनाउंस करने के बाद चैप्टर को इंट्रोड्यूस ही करते हैं ना, वहीं से तो बड़ा बनाना शुरू करते हैं। हाँ, लेसन प्लान के स्टेप गड़बड़ हो रहे हैं। 89 में संक्षिप्तता, ऐसा कोई, हाँ आज ही बोर्ड पर लिखे हुए थे, नहीं है अभी, संक्षिप्तता नाम का कोई शब्द जांच के लिए नहीं होता है। 90 चौथा बिल्कुल सही है, उपरोक्त से ठीक है, गजब हो गया। 90 अब साइंस करेंगे, साइंस वाले लोग जरा सा पेपर निकाल ले, और बाकी लोग शोर नहीं करेंगे, सहयोगी अधिगम को बनाए रखेंगे, और थोड़ा पीछे से पानी भी पहुंचा जाइए, कोई खाली है तो।
लगे हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 31 मैथमेटिक्स। x माइनस वन से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर एक, एक रखने पर ये सॉल्व हो जाएगा, यानी इसका आफ्टर ऑल वैल्यू क्या आएगा? दो आएगा। x की जगह पर अगर हम वन रखेंगे तो इसका वैल्यू दो प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। 32 में एक संख्या माइनस 15 है और दो का योग 9 है तो 24 होगा ना, 24 माइनस 15 बराबर 9 आ जाएगा। ऑप्शन से बना लीजिए, 24 माइनस 15 बराबर 9। नहीं समझ में आया? ऑप्शन से ही बन जाएगा ये तो। 33 में 372.33, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक। हाँ नहीं, 372.33 है क्योंकि मेरे सामने जोर के देख रहे हैं, आप चेक कीजिएगा। 34 में बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन करेंगे तो 512, चौथी बार क्वेश्चन आया है ये 512। 35 में क्षेत्रफल दिया है 256 समचतुर्भुज का, तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यही फॉर्मूला यूज किए हैं। आंसर कितना आया? 16। तो अभीष्ट योगफल 16 और 32 48 मीटर हो जाएगा। 48 मीटर आया है सबका। डायगोनल 16 हो गया तो एक 16 होगा तो दूसरा 32 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 36 में पक्का ना? बिल्कुल सही प्राप्त हुआ है। 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2, 25 75, ठीक है 900 सही आया है। 36 का चौथा। 37 में पी बाई क्यू, क्यू बाई का आर बाई एस, यानी 1:1 पहला सही है, सब कट जाएगा, 1:1 के रूप में रह जाएगा ये। 38 में तीसरा नहीं आएगा, ये चौथा आएगा माइनस के साथ। 39 ना, इतना गड़बड़ होगा तो डिजिट बताइए क्या लिखे हुए हैं। 0. कितना जीरो है? 5 0 और 27 36, 1 2 3 4 5 27 36। देखिए लिख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, अगर 2 के बाद हम दशमलव पुट करना चाहें तो 10^-6 रखना पड़ेगा, तो k का वैल्यू कितना हुआ? के ये हो गया और n कौन हुआ? -6 जो पावर है ये क्या है? n का वैल्यू है, तो 2.736 प्लस -6, यानी 2 में से इतना घटेगा तो -3 आएगा ना, तो चौथा उत्तर कीजिएगा ना। n की जगह आप +6 ले लिए हैं जबकि -6 लेना चाहिए था, आंसर चौथा आएगा। ठीक है, फिर -3.264 आंसर होगा। 39 में क्या किए हैं? 100/85, ये तो बना हुआ क्वेश्चन है, 40,100 पहले भी आया हुआ है, यानी कि 39 का दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 में
एबीसी और ई एफ डी, एबीसी और ई एफ डी, दूसरा ऑप्शन सही है, एफ डी ई नहीं, ई एफ डी। ये एक दिन और क्वेश्चन बताए थे, बोर्ड पर पढ़ा रहे थे तभी, सर्वांगसम वाला है ये। 40 का दूसरा सही है, 41 में फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस वी इज इक्वल टू ई माइनस टू, यही है ना, ए प्लस वी इज इक्वल टू ई माइनस टू। इज इक्वल टू ई माइनस टू, ई प्लस टू। हाँ ई प्लस टू है, प्लस टू होगा, ई प्लस टू। कितनी बार बताए हैं क्लास में भी, तो शाम को बताए हैं, इसको यूलर फॉर्मूला कहते हैं, और कई बार हम बताए, इसको लिख लीजिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको यूलर फॉर्मूला कहते हैं, इससे प्रश्न बार बार आएगा आपके एग्जाम में और प्राइमरी में सी और आएगा। आगे बढ़े, आंसर 16 आया, दूसरा ऑप्शन। चलो 41 का दो हो गया, 42 में आठ परसेंट बिल्कुल सही आया है। तैतालीस में, ये तो इजी है, देख के बता देना बहुलक कौन सा है, तो 41 बार बार आया है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 44 में, 41 से 500, ठीक है, 100 बटा 85 गुना 35 275, 41,500 आ जाएगा, ठीक है, 15% हानि हुई, तो घटा लेंगे 85 रह जाएगी। 44 का तीसरा सही है, 45 ये क्वेश्चन, ये 9 आएगा, बिल्कुल सही है। 46 में 9 बटा 5 आएगा, यानी एक पूर्णांक 4 बटा 5, पहला उसका ऑप्शन सही है, एक पूर्णांक 4 बटा 5, या कहे कि 9 बटा 5 आया था। 47 में 10.5 किलोमीटर है, पहला सही है, दूसरा किसका आया था, अरे 35 गुना 3 105 ना होता है, तो 10.5 आएगा ना, 105 होगा, तो सीधे सीधे दिख रहा है, अभी भी नहीं समझे, 3000.3 किलोमीटर हुआ, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 35 गुना 0.3 करेंगे तो 10.5 आएगा, मतलब गुना करके और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 35 थे 105, एक पॉइंट के बाद दशमलव देंगे तो 10.5 होगा। चलिए ये तो हो गया 47 का पहला, 48 में 12 मीटर, बिल्कुल सही उत्तर है। 2πr² यूज किए हैं ना 48 में, हाँ ठीक है। 49 छ आएगा, x बाय वाई 3:4 है, तो इसका मान निकाले, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है 49 में। 50 में 5 से माइनस 5 तक का पूर्णांकों का योगफल 0 हो जाएगा, 10, माइनस 5 की ओर पीछे जाना है, हाँ 5 से लेके बैक माइनस 5 तक जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 51 में 51। बाकी लोग साइंस बनाए हैं कि छूट रहा है, साइंस मैथ वाले लोग एस्तर बताते रहे। 51 में तीसरा दोनों सही है, 52 में उनके परिमाण और क्षेत्रफलों के बारे में क्या कह सकते हैं भाई, ज्ञान का संवर्धन कर रहे हैं, पहला सही है, ज्ञान वर्धन या ज्ञान का संवर्धन, बच्चों के नॉलेज इंक्रीज हो रही है इससे, संचय नहीं करते हैं, ज्ञान का वर्धन होता है। 53 में ध्वज और पोस्टकार्ड में लंबाई चौड़ाई उसके समानुपात की अवधारणा बता रहे, क्षेत्रफल नहीं समानुपात,
जैसे 3:2 के अनुपात में होता है ना झंडा, तो 3:2 समानुपात की अवधारणा को बता रहा हूं। दूसरा 54 में वर्गों को गिनने को कह रहा है, तो शिक्षक बच्चों को क्या समझाएगा, वृत्तों के क्षेत्रफल बताने के लिए कर रहा है वो। 54 का तीसरा सुनिए, ग्राफ पेपर पर अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्तों को बनाए और ग्राफ पेपर पर वर्गों को गिनने को करे, वर्ग तो वर्ग क्षेत्रफल से संबंधित है कि उसके 2πr से कि πr स्क्वायर से, क्षेत्रफल से संबंधित होगा, परिधि का उसमें काम ही नहीं है, वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं ना। ग्राफ पेपर के वर्गों को गिनेंगे कितने वर्ग हुए, तो वर्गों को गिनने के लिए 2πr की जरूरत नहीं, πr स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। 54 का तीसरा, 55 में दूसरा कौन किया है, रेखा गणित के बारे में जब जब प्रश्न आए हैं हमने विश्लेषण करवाया है, चौथा रेखा गणित है ये। 56 में गड़बड़ है, अधिगम सामग्री के उपयोग में छात्रों को क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री उपयोग करके नहीं, आप तीसरा ही लगाइए छोड़िए, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात भी प्राइमरी में नहीं कर सकते, तीसरा फिलहाल सही है, उत्तर सही है तीसरा। 57 में, 57 में चौथा बिल्कुल सही है, 58 में शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक से नवीन ज्ञान नहीं आता, समस्या का समाधान होता है, तीसरा उत्तर सही है। 58 का तीन, 59 में बराबर आधार हो बराबर चौड़ाई हो उस आयत के बीच में छोड़ा गया हो, ये स्तंभ ग्राफ है, ऐसे जो सीधा वाला ग्राफ बनाते हैं ना, स्तंभ ग्राफ है जो आयत के रूप में दिखता है, बार ग्राफ कहते हैं ना उसको, वही स्तंभ ग्राफ कहलाएगा। 60 में कौन सा कथन गलत है, ए बी सी डी समानुपाती है तो ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, दूसरा गलत है ना, ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ये ए सी इक्वल टू बी डी कह रहा है, गलत है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी करेंगे तो क्रॉस करके गुना करके देख लीजिए क्या सही आ रहा है। 60 का दूसरा गलत है, 61 अब साइंस शुरू होता है, 61 का तीसरा बिल्कुल सही है, 62 62 में चौथा उत्तर सही है, 63 स्वयं गति नहीं करते हैं, स्थिति का मतलब रुका हुआ हो, तीसरा वो स्वयं गति नहीं करते हैं, तीसरा सही उत्तर है, 64 64 का दूसरा है, भूकंप विक्षोभ उत्पन्न करेगा भूकंप आएगा, 65 65 में चौथा सही है, 66 पनडुब्बी और टैंक में पेरिस्कोप होता है, छियासठ में पहला सही है पेरिस्कोप, 67 बाकी लोग शांति बनाए रखे, 67 में चौथा सही है, 1 2 3 स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, समझ गए समझ गए, 67 का पहला ही कीजिए, देखिए गलती ये किया है क्वेश्चन में कि पिंड नहीं लिखा है, कौन सा पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करेगा तब ना पिंड समझते, यहां पिंड नहीं लिखा है, आप 67 का पहला लगाइएगा, 68 में कहां इतनी बात हो रही है पहले ये तो पता चले,
जो भी बात करेगा ये टूल लगा के यहां बैठाएंगे। सड़सठ में पहला हो गया, अड़सठ में बताएंगे तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोशिका नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो जहां नहीं होती है उसे अंध बिंदु कहते हैं, जहां कोई कोशिका नहीं होती है। कोशिका हो ही नहीं तो इसका मतलब खाली अंध बिंदु है वो। अड़सठ का तीन उनहत्तर, उनहत्तर में चौथा सही है सब। सत्तर कैसीओपिया एक तारामंडल है, पहला सही है। इकहत्तर, इकहत्तर का चौथा सही है आर्यभट्ट पहला उपग्रह। मतलब धीरे धीरे बात खत्म कर ही लेंगे आज, है ना, छोड़िए मत। बहत्तर गैसीय प्रदूषक पेट्रोलियम परिष्करण से निकलते हैं, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसलिए बताया गया था कि ताजमहल के आसपास जो परिशोधक कारखाना है उससे निकलने वाले गैस वहां अम्लीय वर्षा का कारण बन रही है। तो समझ गए होंगे पेट्रोलियम परिसंस्करण से ऐसा होता है। बहत्तर का दो। तिहत्तर में अमर बेल कल ही लिखवाए हैं ना, कल ही लिखवाए हैं, परजीवी है। सहजीवी में दोनों का फायदा होता है, परजीवी में एक अकेला फायदा उठाता है, जैसे जोंक या फिर और जो बेड वगैरह में होता है बेड बॉक्स, हाँ खटमल, ये सब सहजीवी नहीं है परजीवी है अमर बेल। और सहजीवी का मतलब होता है भैंस के ऊपर कौवा, ये सहजीवी का एग्जाम्पल है। तो भैंस में से नोच नोच के वो खा जाता है, भैंस को भी फायदा कौवे को भी फायदा, तो सहजीवी होता है वो। जहां दोनों का फायदा हो सहजीवी, और जहां एक तरफा फायदा हो एक तरफा नुकसान परजीवी। आगे बढ़ते हैं, तिहत्तर का दूसरा लगाइए। चौहत्तर चौथा ऑप्शन देख ले, बिल्कुल सही है चौथा, ठीक है। पचहत्तर में आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। पर्सनल फीलिंग नहीं पूछा जा रहा है, साइंस पूछा जा रहा है। ये ठंडा नहीं होगा, लकड़ी के चम्मच से डुबाने पर उसमें कोई परिसंस्करण नहीं होता है, लकड़ी का चम्मच है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चौथा कर लीजिए। पचहत्तर में फिनर्थेलिन छार के साथ गुलाबी रंग देता है, ये सही है, हमें लिखवाए हैं आपको, छार के साथ गुलाबी रंग देता है, दूसरा गलत है, पहला उत्तर सही है। छिहत्तर का एक नंबर। सतहत्तर अपाचन से मुक्ति पाने के लिए दुधिया मैग्नेशियम का प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको चाहिए, पेट में ही फट जाएगा, पता चले पचाने के लिए पेट की ही जरूरत नहीं रही आगे। सतहत्तर का तीसरा कीजिए। अठहत्तर कौन सा वक्तव्य सही है, तो शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर चलती है, शीत ब्रिज कहते हैं इसे, पहला सही है, थल से सागर, और गर्मी के दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है, उल्टा है। उनहत्तर चार मीटर प्रति सेकेंड, अपनी कार 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते हैं तो बैक करते समय उसकी दिशा जो दिखेगी वो सीधे डबल दिखेगी प्रतिबिंब में, यानी 2 का 4 दिखेगा वो। 80 में 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर समतल दर्पण रखा गया है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है समतल में, 40 का 40 ही रहेगा, 80 का 80 ना, 2 के बीच में रख रहा है ना, अच्छा 2 के बीच में रखना है, समझिए हमको लगा कितनी दूरी पर है, 2 के बीच में रखे और मोमबत्ती रख दे तो कितनी मोमबत्ती के प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे, दिखते रह जाएगा, उसको मिरर इमेज कहते हैं। हम YouTube पर कभी कभी लाइव होते हैं तो मिरर इमेज दिखता है, कहते सर आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, दैट इज मिरर इमेज, इन्फिनिटिव हो जाएगा। चौथा उत्तर सही है। 81 में
81 का तीसरा सही है, सी दोनों। 82 में कौन सा नहीं है? प्रदर्शन नहीं आता, बाकी सब आएगा। प्रदर्शन शिक्षक करता है। बात समझ आई बच्चों? कहां ध्यान है? अपने अपने काम में। 82 का पहला सही है। 83 में भी पहला ही सही है, केवल एक। 84 तीसरा सही है। विचार को पुनः विचार करने में मदद करनी चाहिए। पता नहीं, अब देखना पड़ेगा फिर से। 81 का तीसरा बोले थे। 85 में दूसरा बिल्कुल सही है, सबको संभावना प्राप्त करने का अवसर दे। 86 दूसरा सही है, क्रियाकलाप। 87 सब सही है, चौथा। 88 बालक स्वयं खोज करे लेकिन अध्यापक के मार्गदर्शन में, चौथा। 88 का चार। 89 अगर आप चाहते हैं कि व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आए तो प्रयोग कीजिए। प्रयोग जिज्ञासा से नहीं आता है, प्रयोग करने से परिवर्तन आता है। 89 का चार। 90 90 में सब सही है, चौथा। अंग्रेजों, अरे पहले मेन बुकलेट खत्म हो जाए तब तो आगे बढ़ेंगे। कौन सा चीज लास्ट में होता है? क्या चीज सबसे लास्ट में? उर्दू होता है, पता ही नहीं है तब आपको? ऐसा थोड़ी है। हम आपको 6 बजे तक यहां बैठाएंगे तो क्यों घबराना है? साइंस, अंग्रेजी, हिंदी सब तो करना ही है, 15 मिनट आगे पीछे रहता है। साइंस लैंग्वेज में 15-30 क्वेश्चन के लिए क्या करना है इसमें? 91 इंग्लिश में, इतने कम लोग होते हैं कि आवाज भी नहीं आती और आंसर हो जाता है। 91 का पहला स्टेयर सही है। 92 में पहला ही सही है, मिला जुला क्वेश्चन है। 93 टेम्प्ट को डिस्ट्रैक्ट करना है, सही है। 94 स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ लवर था, लवर घोष्ट नहीं था वो। 94 का पहला। 95 ये ऑपरेसिव है, ऑपरेसिव, चौथा। द पोएट लिव्स इज द ऑपरेसिव एंड ही हैज नो एस्केप, चौथा। 96 में पहला सही है। बाकी आज का पैसेज तो शानदार ही लगा होगा। 97 का तीसरा सही है, इंटेंड करना। अनएक्सपेक्ट का उल्टा इंटेंशन के साथ करना। 98 का तीसरा सही है। 99 एक्सेसिव का मैसिव होगा, दूसरा सही है। 100 में एक्स्ट्रा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल बनाता है आदमी को, तीसरा सही है। 101 नो वन कैन गेट हिज गोल, दूसरा। बिना डिटर्मिनेशन के गोल अचीव नहीं होते हैं। 102 इसका चौथा सही है, टू डू आवर बेस्ट। 103 का तीसरा उत्तर सही है। 104 मोर एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, जरूरत से ज्यादा उम्मीद स्ट्रेस क्रिएट करता है। 4 का पहला। 5 में एग्जॉस्ट टायर हो जाना होता है, सही है, तीसरा। 106 का चौथा सही है, नन ऑफ दीज, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो सब है तो नन ऑफ दीज उत्तर करेंगे। 107 समराइजिंग का मतलब है कि वेब डायग्राम बना के समझे, पहला फ्लो चार्ट, वेब डायग्राम, इसे समराइज हो जाएगा कंटेंट। 108 इसमें सब सही है, पैराफ्रेजिंग के लिए सारे एक्टिविटी सही है। 108 में चौथा। 9 में
कोटेशन मार्क्स मतलब इन्विरोनर मीन्स नेबरहुड, दूसरा सही है, इन्विरोनर मीन्स नेबरहुड होता है, ये सही है, हमारे आसपास के लोग। नौ का दूसरा, दस में फोनेटिक साउंड से संबंधित है, दूसरा। ग्यारह में डिराइवेशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, ये पैरोनिम्स होते हैं, डेरिवेशन में सही होंगे लेकिन मीनिंग अलग अलग आएंगे, पैरोनिम्स कहलाते हैं। 111 का चौथा। 12 में बारह का दूसरा सही है, मीनिंगफुल ड्रिल्स। कम्युनिकेटिव ड्रिल मतलब बातचीत, कोरिलेशन डेवलप करने के लिए मीनिंगफुल ड्रिल करना जरूरी होता है, ताकि आप दोनों विषय को मीनिंगफुली समझेंगे तब तो कोरिलेट करेंगे, तो मीनिंगफुल ड्रिल की जरूरत है। एक विषय के लिए कम्युनिकेटिव करते हैं। 113 ग्रामर ही सेंटर होता है, ग्रामर, इन चारों के हिसाब से अभी ग्रामर उत्तर करेंगे, लेकिन बेहतर होता है, उसकी बेस्ट थीम होती है उसका कॉग्निशन, कॉग्निशन नहीं है तो ग्रामर उत्तर करेंगे। 114 द बजिंग बी फ्लो अवे, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, ऑनोमेटोपोडिया। नहीं, कीड़ा का नाम नहीं है, सुडोपोडिया जैसा दिख रहा है लेकिन अलग नाम है। सुनिए क्या होता है, एक छोटी सी घटना एक मिनट का सुना देते हैं, पता चल जाएगा। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जब सबसे पहली बार अफगानों ने हमला किया था तो इतनी ज्यादा संख्या में आए थे कि लोगों को लग रहा था टिड्डे ने हमला कर दिया। टिड्डे जैसे एक संख्या में आकर एक साथ कहीं हमला करते हैं ना, भारी संख्या में, ठीक वैसा ही वो लोग आए थे अफगानिस्तानी और यहां इंडिया में कब्जा किए, टिड्डे की तरह एक साथ आए थे झुंड बना के। वही कहने का यहां अर्थ है कि इसमें द बजिंग बी फ्लो अवे मतलब एक साथ पूरी भीड़ के साथ जाके जमा होना मतलब क्या है, तो यह है ऑनोमा मेटोपोडिया कहलाता है, मतलब एक भ्रम है, नॉट एग्जैक्टली बट भ्रम के रूप में होता है, इसलिए तीसरा उत्तर चुन रहे हैं। इस पर फोकस मत कीजिएगा, पेपर वन में आने वाला नहीं है, लैंग्वेज वन थोड़ी है इंग्लिश की आएगा, लैंग्वेज वन जिनका रहेगा चांस है कि एक क्वेश्चन आ जाए ऐसा। एक 115 15 का पहला सही है। 16 में टेस्टेड थ्रू एप्टीट्यूड, तीसरा। स्पेसिफिक एबिलिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। 17 में ना ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेसमेंट हेल्प करता है ताकि सब कोई अपना अपना असेसमेंट कर सके। चौथा द लर्नर्स टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर ऑन लर्निंग, पीयर असेसमेंट में अपनी लर्निंग अपने से। 17 का चौथा। 18 में कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, वाई नॉट, इसमें पूछ रहा है कि असेसिंग स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल वुड बी डिडक्टेड फॉर, इसकी डिडक्शन कहां से दिख रही है। देखिए रेस्पॉन्स को उसने इनकरेक्ट बताया, यहां कहना चाहिए था यस ऑफ कोर्स, वाई नॉट नहीं कहा जाता है, बात समझ में आई। चौथा उत्तर चुनिए, सेकेंड स्पीकर एज द रेस्पॉन्स इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली, ऑप्शन चार, यस ऑफ कोर्स कहा जाता है, वाई नॉट नहीं कहा जाता। 119 में, अरे पहला चुनिए ना, सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करेंगे स्टेशनरी के लिए। 120 वर्ब का फॉर्म ही चेंज कर देंगे उसको। 120 का पहला सही है, मूवी टाइगर अगर कर रहे हैं तो टाइगर यहां नाउन है, लेकिन अगर वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा। 20 होता ही टफ है, हम क्या कर सकते हैं और संस्कृत को टफ बनाया जा रहा है, होता नहीं है। संस्कृत में पिछली बार स्कोर 27 सुने थे इसलिए चेंज किए।
शांति बनाए रखे और संस्कृत के उत्तर को फटाफट कर ले। संस्कृत वाले लोग एक स्थान पर बैठ जाएं, पेपर निकाल ले। पुर्तगाली के बारे में है, पुर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 91। प्रतिविशी राज्य नाम, तीसरा सही उत्तर चुने हैं। सही मिल रहा है ना, 91 का तीसरा यही मिला है सिर्फ। 92 में दूसरा है, ये उल्लाल राजा के बारे में बात कर रहा है। युद्ध भूमि एकाकितिया कपतित आसित, ये उल्लाल राजा के बारे में बात कर रहा है। दूसरा 93 में चौथा सही है, रागिम अफिया देवी क्षमा याचितवान, क्षमा याचना की कामना। 94 में, 94 में तीसरा है राग्या, राग्या होगा, राग्या। नाइन्टी फाइव में नहीं, मिलित्व का अर्थ है अजीवन, अजीवम ना होगा, म नहीं, पहला सही है 95 का एक। 96 में, 95 का पहला, 96 में मंत्री भी है, मंत्री भी। उभया देवी को मंत्री पद से दिया गया ना, उपदिष्ट किया गया, दूसरा मंत्री भी। 97 चौथा सही है, पश्चिमी सही उत्तर है। 98 में तीसरा सही है, उल्लाल प्रांत के वो थे। मरीच आदि नाम उत्पत्ति कुल अत्रिका जायते इसमें उल्लाल प्रांत थे। 99 का दूसरा सही है, पोर्तुगीसानम। 100 में कौन किया है पहला, पश्चि त्रिशु कह न गृहते, कौन सा नहीं है, राज्य मंत्री नहीं थे बाकी सब थे। न गृहते कौन से नहीं थे, तो राज्य मंत्री के अलावा सब थे, चौथा उत्तर। फिर ना देखना बंद कर दिए लोग ना, जब क्वेश्चन में ना लिख के पूछे तो मतलब गलत चुनना है, ये क्यों भूल जा रहे हैं संस्कृत में। 101 धीरत्व कृदिस गुण, कौन सा गुण है, ये साहजिक गुण है, साहजिक। दूसरा 102 प्रभुन धनन विद्यामा ऐश्वर्य च प्राप्य पंडित जन क विचरति आवर्गिनसन, दूसरा उत्तर है, दूसरा आवर्गिनसन, कहां विचरण कर रहे थे यही पूछ रहा है। 103 में भक्ति सुधार से इति पद कवि न क अलंकार प्रयुक्त, भक्ति सुधार में वो रूपक अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, तीसरा रूपक अलंकार। 104 चार में तीसरा सही है, प्रियवादिन दुर्जनस्य। 105 में भाव सही है, चौथा देवस्य अस्तित्व के कारण भाव उत्पन्न हो रहे हैं। 6 में व्याकरण अस्ति प्रत्येक भाषा अस्ति, प्रत्येक भाषा की अपनी नियमबद्ध व्याकरण होती है, पहला सही है 6 का एक नंबर। 7 में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तृतीय भाषा क्या अस्ति, तो हिंदी भाषा के अलावा जो राज्य की भाषा है उन्हें पृथक पृथक करके वो देखती है, तीसरा सब एक नहीं है, पृथक पृथक होता है तीनों। 7 का 3। 8 में कभी भी कक्षा में इस तरह के चीजों का प्रयोग करें तो ऑथेंटिक मटेरियल प्रयोग करना चाहिए, नंबर एक। हाँ, 8 का एक नंबर, मटेरियल ऑथेंटिक नहीं होगा तो गलत जानकारी देने के लिए बच्चों को बुलाए हैं। 109
धारा प्रवाहिता पठनेन और लिखनेन दोनों संभाषण सब में चलेगा। चौथा 109 में, चौथा 10 में, तीसरा है ए ई बी डी ई, पहले ध्वनि मतलब सेट कर लीजिएगा, तीसरा उत्तर सही आएगा। 111, कई बार बोले कि उसे अवसर प्रदान कीजिए, अवसर, हाँ चौथा, पुनर्बलन से अवसर देंगे कि कार्य करने का अवसर देंगे, चौथे में, भाषा शिक्षण के लिए उसे अवसर प्रदान करेंगे चर्चा करने का ताकि वो समझ सके, चौथा ऑप्शन। अनुकरण से भाषा सिखा रहे हैं तो वो ज्यादा कारगर नहीं होगा, छोटे बच्चों के लिए होता है, कक्षा में उन्हें चर्चा के अवसर देकर सिखाइए। 12 में पठनेन, सही है, प्रेडिक्शन पठनेन में करते हैं। 13 में ना, भाषा अधिगम में प्रेरणा कहां से आ रही है, तो आंतरिक रूप से आ रही है। 1 सही है। 14 में वार्ता विनिमय कुर्तुम, सही है, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 15 में दूसरा बिल्कुल सही है, अधिगम प्रक्रिया सहयोग क्रिया, ठीक है। 116 में भाषा दक्षता अधीनस्थ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तीसरा शुद्धता होनी चाहिए, धारा प्रवाहिता तब विकास। 16 का 3 सही है। 17 में प्रभावकारी शिक्षण और भाषा का मतलब यही है कि विद्यार्थी के कथन में कोई समस्या आए तो उसका वर्धन करे, दूसरा। 17 का 2। 18 में अक्षर समृद्ध वातावरण, अक्षर में होता है तो साक्षर तैयार होगा, अरे दो चार लेटर जानता है पूरा डिग्री नहीं है तो साक्षर कहेंगे ना उसे। 18 का 3। 19 में युक्ति रूपेण विद्यार्थी भाषण उपयोग, बहुभाषिकता का मतलब होता है कि बच्चे को जो भाषा आ रही है उसी का प्रयोग करे, चौथा। 19 का चौथा हो गया। 20 में भी चौथा उत्तर सही है, स्वर शैली योग्य विराम सबको देखेंगे, हाँ। आज क्लास के लिए थोड़ी रोके थे हम, आज तो छोड़ देंगे हम, डांट भरी छोड़ देंगे। हाँ आप जा सकते हैं। उर्दू कितना गया, स्कोर कितना हुआ, सौ तक आ रहा है ना, बहुत अच्छा स्कोर है, 100 आ रहा है तो ठीक है। बाकी उर्दू वाले लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, नहीं आज छोड़ दे रहे हैं, ज्योमेट्री बता दिए थे पिछले क्लास में, अब प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेंगे। कितना, 20 तक आ रहा है ना यहाँ, हाँ तो ठीक माना जाएगा, 20 बुरा नहीं है, वहां 22-23 हो जाएगा, 100 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 100 से ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। अब फ्री हो जाएंगे तब बताइएगा, थोड़ा सा हम फुर्सत में हो जाए, फुर्सत हो जाए तब, 15 मिनट लगेगा। 110 कम लग रहा है, ऐसे भयंकर टेस्ट में 110 नंबर बहुत कहलाता है। अंग्रेजी में अभी अवेलेबल है, हाँ तो मिल जाएगा, पूरा पेपर चाहिए, वैसे तो हम लोग देते हैं 800 रुपये का एक्सटर्नल, लोगों को 500 रुपये बता दीजिएगा, पेपर 1 कंप्लीट मिल जाएगा। मास कम्युनिकेशन का नोट्स नहीं, सिर्फ फर्स्ट पेपर मिल जाएगा।
आ रहा है वहाँ इमेज में बनाई, इस पर क्या लिखा हुआ है? हम लोग जानबूझ के लेवल हाई कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि एग्जाम में 20 दिन होगा, किस दिन अप किस दिन डाउन रहेगा नहीं पता है, तो आप यहीं से देख के जाइए। ठीक है, 100 स्कोर अच्छा है अभी भी, तब तो सुधारना पड़ेगा। यहाँ 100 से नीचे नहीं आना चाहिए, अभी 100 आ जाना चाहिए, चाहे जैसे है। 30 में 30 कहाँ से आएगा जब क्वेश्चन हम लोग सेट कर रहे हैं? तो आज नहीं, आज छोड़ दे रहे हैं, तो कि सब लोग बेचैन हैं। हाँ, 4 को सबको दे देंगे, हाँ सबका हो जाएगा, उसी दिन ले लीजिएगा। नाइन्टी फाइव आना कम लग रहा है? किसी दूसरे को अपना पेपर दे के देखिएगा, कहिएगा तेरे बना के दिखाओ। 70 नंबर नहीं आएगा, 70। आप लोगों का जो क्वालिटी है वो समझने की जरूरत है, तो फिर भी घबराना नहीं है, समझिए कि नारियल है, अभी सब ऊपर से गड़बड़ लग रहा है। जिस दिन खुलेगा ना वहां फाइनल एग्जाम में, उस दिन पता चलेगा नारियल वाइट होता है, बहुत लेवल बढ़िया है। स्कोर के पीछे मत भागिए, लर्निंग के पीछे भागिए, सीख रहे हैं रोज नया वो जरूरी है, रोज 10 क्वेश्चन नया सीख रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है। या स्कोर किए वो मतलब अभी नहीं करता है, स्कोर मतलब करेगा फाइनल एग्जाम्स में। चलिए तो टाइम अपना मैनेज कीजिए, अनेक बढ़ेगा वहां तो आधा घंटा ज्यादा मिलेगा ना आपको, लेकिन आपका स्कोर कम है। भाई हैंड रिटन उर्दू पढ़े हैं ना आप लोग ठीक से? अब संस्कृत वाले टीचर को एक दिन भेजेंगे ना, सारा पेपर बैठा के वही समझा देंगे कहाँ क्या क्या है। अभी नहीं, सब पेपर हो जाएगा तब बुलवाते हैं उनको, लास्ट वाले पेपर के समय 17-18 हो जाने दीजिए, पैसेज वो समझा देंगे कहाँ कहाँ है। पेडागॉजी में मत उलझिएगा लोग, खाली पैसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 उर्दू, पहले अभी वाला कर लीजिए उर्दू वाले लोग, आज वाला। मतलब पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? माय गॉड, हैंड रिटेन है ना, अब हाथ से लिखा हुआ है, टाइपिंग वाला खत्म हो गया, अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी का किया हुआ है, तो हम कोई मौलाना से कम लग रहे हैं, नाम बदल देंगे, मौलाना गुफरान रख लेंगे अगले दिन से। हाँ तो आपको क्या लग रहा है? तो मेरा राइटिंग खराब है उर्दू का, बोर्ड पर लिखते हैं शायद नहीं देखी होगी, इसलिए पता नहीं है कि हम भी उर्दू अच्छा लिखते हैं, इससे भी अच्छा लिखते हैं, तो बेचैनी वाली नहीं, टाइप नहीं है, नहीं ऐसा टाइपिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या लगा रहे हैं? रिकॉर्ड की गई आवाजों को सुनने के बाद तलबा से कहानी के मुश्किल जबानों, बिल्कुल सही है, चौथा उत्तर सही है, तो आज से हम मौलाना हो गए, है ना? ठीक है, 92 में आवाजों को खूबी उसके बोलने की मौजूदगी, बोलने के लिए हरकत हो सकनात, महारतों में से एक जो मौजू के जरिए जांच करना होता है वो होता है चौथा, हरकातो सकनात, गेस्चर और पोस्चर को मेंटेन करते हुए पढ़ने पढ़ाने का काम, चौथा सही है। 93 में हाँ, हिंदी मादरी जबान के रूप में प्रयोग किए जाना, ठीक है। 94 में बाकी लोग इतना साइलेंट क्यों हैं? लगाए हैं ना कि बना रहे हैं बस। 94 में जायजा की गई जायजे पर आजादी करना, तीसरा सही है। 95 में देखो तो तरपा के तारों के खेल के, दूसरा बिल्कुल ठीक है, 95 का 2। 96 में
या खास वक्त जब तलबा अलमी जुबान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। जबान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त कब होता है? किसी जबान के मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त, नहीं तीसरा सही है। हाँ यहाँ लिखी है नाजुक वक्त, नाजुक माने कमजोरी की बात कर रहे हैं, तो तीसरा है कि जहां बच्चे दूर होने लगते हैं लैंग्वेज से तब होता है, तो 96 का तीसरा सही है। 97 अच्छे रिकॉर्ड के साथ करना, दूसरा बिल्कुल सही है 97 में दो। 98 मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना, तख्लीक जमत को मश्क करने के लिए मौके, चौथा ज्यादा सही है, उसको मौके फराहम करेंगे। 99 पहला चौथा दोनों बोल रहे हैं, तलबा के मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो सके। सी सी ई के तारुफ क्या होंगे? तालीमी की जा सके, तलबा पर टीचर का ज्यादा, चौथा ही सही है, मुसलसल और जामे दोनों होता है। 100 में तख्लीकी मुताला मौजू की ज्यादा करने के लिए, तख्लीकी मतलब कुछ नया करना होता है, मुख्तलिफ नजरिया तो ड्रामे, बिल्कुल सही है, दूसरा दूसरा सही है। तखलीक का मतलब होता है कुछ नया करना, क्रिएटिव करना, वही तखलीक होता है उर्दू। 101 में गैर जरूरी चीजों को, पहला बिल्कुल सही है, सरसरी नजर मतलब गैर जरूरी छोड़ के बाकी सब देखना। 102 में पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक पैदा करने से, तीसरा सही है। 103 में मुस्तंद समात या ध्यान देना का हवाला क्या है? बातों को रिकॉर्ड करना, जब तक अपनी बात को एक टीचर के तकरीरी को हो चुकी है और उसे आधी सुनता है, किसी अमल के लिए जरूरी है कि बात को गौर से सुनना, चौथा सही है ये, किसी अमल के लिए जरूरी है कि हम उसकी बात को पहले गौर से सुने तब तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ध्यान देना का मतलब यही है हवाला कि बातों को गौर से सुने, चौथा। 104 में अल्फाज के बदमार या तकरार की गई हो, हाँ हाँ निगेटिव है, चौथा ही सही है, तकरार तकरार मतलब कुछ बहुत ज्यादा ग्रामर का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा गलत उत्तर चुनना है, मुख्तलिफ करती है उसमें अव्वल कौन है, चीजों से मुख्तलिफ कौन कर रहा है, तो चौथा मुख्तलिफ कर रहा है, बाकी सब तो गलत है, चौथा अलग है, ऊपर के तीनों गड़बड़ है, ज्यादातर ज्यादातर ये सब नहीं होगा, तो चौथा उससे अलग है जो सही होने की बात कर रहा है। 105 सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने के, उर्दू जबान के क्लास में तकरीर के रद्द अमल के क्या है, जबान का बर्सता इस्तेमाल है, एक हुकामा जोरस्ती तकरीरी और खुद के क्लास की मुतजाद होता है, पहला ही सही है, पहला एक नंबर सही है, अब इसके बाद सही ही होगा सब। 106 में चहकना है, ठीक है। 107 में हर तरफ की बात हो रही है, ठीक है, हर सिमत माने तरफ। 108 तीसरा दो नहीं, 109 में चौथा सही है, 110 में सबसे अच्छा, 111 तीसरा सही है, 112 पहला सही है, 113 तीसरा सही है, 114 दूसरा सही है, 115 चौथा, हाँ घोड़े से, ठीक है चौथा, 116 औरत को बता रहे, ठीक है दूसरा, 117 दूसरा बिल्कुल सही है, 118 पहला सही है, 119 में पहला सही है, 120 पहला ही सही है।
बहुत सही हुआ आज तो। देखिए मुख्तलिफ जुल्मों के मश्क, जुमलों के मश्क करने के मौके फरहम करना। अलग अलग किस्मों को समझने में जो दुश्वारी हो तो उसका कौन सा आंसर है? थर्ड, असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात के मदद से मश्क करना। जब एक तलबा इल्म को जमाने की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो, जमाने की किस्मों को समझने में है, तो दोनों इतना नजदीक के चूज करने में प्रॉब्लम आएगा ही। उत्तर दोनों सही है। यह प्रश्न 2014 में है तो उत्तर चौथा है, अब 19 में पूछा है तो तीसरा दे रहा होगा। तो असल जिंदगी से जोड़ के भी कर सकते हैं। देखिए 98 में तीसरा होने की भी संभावना है। उत्तर दोनों लिखिएगा, बहुत नजदीक है दोनों ऑप्शन, तीसरा चौथा। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लोज कर दीजिए।